सर नमस्कार, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, कृष्णा कहाँ से हो? सर मुंबई से। सर मुंबई से हो तो फिर जॉब दिल्ली में? जी सर, अप डाउन कर रहे। चलो ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपर्टीज क्या है सैलरी को लेकर? मैं एक्सपेक्ट 17,000 में सैलरी चाहता हूँ सर। बीए कंप्लीट है सर मेरी, एमए मेरी मुंबई से चल रही है, दिल्ली से अप डाउन करता हूँ सर। 3 में बैक है सर मेरे। हाँ, महिंद्रा में काम करता था। महिंद्रा में काम करते थे, बहुत अच्छी कंपनी है, क्यों छोड़ी फिर? सर मैं, सर मेरा बचपन का ही सपना था सर महिंद्रा कंपनी। सर मेरे बचपन का यह सपना था कि मैं आपकी जॉब में काम करूँ। छोड़ने का कारण क्या था? मतलब ऐसे ही कैसे छोड़ दी कंपनी? मुझे पता है कि वो तुम्हारे दिल्ली में ही थी कंपनी की। सर दिल्ली में तो जरूर थी सर, वहाँ पे सैलरी कम मिलती थी सर। एक तो ना मैनेस नहीं था उनको बोलने का सर। चलो ठीक है, ओके। और आगे जाना चाहते हो इसी कंपनी में? अच्छी बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ तुम्हें एक पेन, ये बेचना है। कैसे बेचोगे सर? मैं इस पेन को इस तरह से बेच सकता हूँ कि ये मैं लोगों को ऐसे बताऊँगा कि ये पेन विराट कोहली का है सर। चलो ठीक है, ये पेन विराट कोहली का है सर। आसानी से बिक भी जाएगा। बिक जाएगा सर, अच्छी से अच्छी इनकम भी मिल जाएगी सर। चलो तो ये क्या हो गया, ये अपन इससे अपना कंपनी का प्रमोशन कर सकता है विद मतलब जो कि इन्फ्लुएंसर है या बड़े लोग हैं उनके सहारे है। ठीक है सर, तो ये तुम्हें पता है कैसे अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। तो सैलरी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, कल से ज्वाइनिंग कर लो जो भी होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर करवा लो, 2 फोटो अपने जमा करवा देना बाहर मैम के पास। ठीक है, चलो ठीक है सर। ये मुझे अरे अरे सर, मेरे को सर कल से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके। चलो सेकंड कैंडिडेट। अप्री हां मैं छापरी। मैं आई कब? इनकम सर, मैं आई कम इन सर। मैं क्या कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? आ जा अंदर। मैं बैठ जाऊं सर? इनविटेशन दूं? बैठने के लिए रखी हुई है चेयर। चलो रिज्यूमे लेके आए हो? रिज्यूमे कहाँ है? ले रहे सर। कहाँ पर डाल के रखते हो? चल बैठ। तो आपको पता है क्या करना है कंपनी में? मैं 3 बंदों को लेटर मतलब लेके आऊँगा। तो लेटर ने का बहुत एक्सपीरियंस है तुमको? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या टैलेंट है तुम में? भाई ये कैसा टैलेंट है? यही टैलेंट है सर। कैसा टैलेंट है? सॉरी सर, सॉरी। अरे कुछ अलग करके दिखाओ टैलेंट लगे। राइट में बंदे जोड़ने हैं, लेफ्ट में बंदे जोड़ने हैं, गाड़ी नहीं लेके जाने हैं। ठीक है सर, मेरी एसयूवी की किस्तें भरनी है। फिर तो तुम्हें बहुत लोगों का लेना, अरे मतलब लेना पड़ेगा तुमको। क्या? अरे यार मेरा मतलब है कि लोगों को लपेटे में लेना पड़ेगा। सर मैं कुछ समझा नहीं, लपेटा क्या? लपेटा लपेटा नहीं पता तुमको यार, तुम्हें तो पता होना चाहिए। कभी तुम कैरी के लपेटे में आ जाते हो, कभी धीरू के लपेटे में आ जाते हो। अभी फिलहाल तो मेरे को पता चला कि तुम थगेश के लपेटे में आए हुए हो। क्या करें सर, यही हमारा प्रोफेशन है, हमें फेमस होने के लिए यही सिखाते हैं। इतनी ऐसी तैसी करवाने के बाद तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा होगी, मैंने सुना 11 मिलियन फॉलोअर्स है। सर फैन फॉलोइंग कुछ आइडिया हैं जो अपने रिश्तेदार की है और कुछ सर खरीद रखी है तन में बट की तरह। चलिए सीक्रेट है, किसी को बताना। ओके 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 सर, फिर क्या फ़ायदा? लोग और फैन फॉलोइंग मिल जाती है सर इज्जत के साथ। इज्जत? हाँ सर, इज्जत। इज्जत? इज्जत है तुम्हारी? नहीं है सर, बट दिखावा करना पड़ता है। पकड़ो, मिलते हैं फिर। क्या सर? बुलाऊंगा वापस नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलो जाओ। बादाम से थोड़ा वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो
को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और कर दो यार। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।